क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत? आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि सही सोच के अंतर्गत आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है उसको समाप्त करके हम आपको राइट बिलीफ देना चाहते हैं। हम आपको सम्यक दर्शन देना चाहते हैं। हम आपको दृष्टि विज्ञान देना चाहते हैं। आपकी दृष्टि को सही करना चाहते हैं ताकि कि आप अच्छे इंसान बनो। और ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हम एक बहुत सुंदर होलिस्टिक विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। आज का विषय है हम और प्रकृति माँ। भाई और बहन, बहुत ही सुंदर विषय है। अगर हम और प्रकृति माँ को समझ लेते हैं तो पूरा जीवन धन्य हो जाता है। हमारा नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में जीने वाले समस्त प्राणियों का ही नहीं, ये जितने हमारे पेड़ है, पौधे है, जंतु है, पशु है, पक्षी है, ये जितने भी हमारे जीवित प्राणी जीवन जी रहे हैं सबका धन्य हो सकता है। क्योंकि ये आज का जो विषय है ये शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को पैदा करने वाला विषय है। ये सबको जीने की कला बताने वाला विषय है। बहुत ही सुंदर विषय है। तो हम दो शब्द हमारे सामने, हम और दूसरा है प्रकृति माँ। तो दोनों की हम परिभाषा करेंगे और किस तरीके से प्रकृति माँ हमारा पालन पोषण करती है, जैसे माँ बच्चे का पालन पोषण करती है और उसके पैरों पर खड़ा होने तक उसका पूरा भरण पोषण करती है, एक एक मिनट का ध्यान रखती है, वह हमारी प्रकृति माँ है। एक माँ तो अपने बच्चों का ध्यान रखती है, लेकिन ये प्रकृति माँ तो 84 लाख जीवा योनि उत्पत्ति स्थान है। असंख्य जो है वो असंख्य और अनंत जीवित प्राणियों का सबका ध्यान रखने वाली, सबका पोषण करने वाली ये प्रकृति माँ है। तो कितनी धन्य होगी, ये कितने पुत्र पुत्रियों की माँ होगी, उसको हम नमन करते हैं, उसके प्रति हम नतमस्तक होते हैं। तो सबसे पहले हम कौन? क्या आप और मैं इतने ही हम हैं? नहीं, इस चराचर जगत के अंदर केवल आप और हम दो नहीं हैं। इसके अंदर जीने वाले कितने 84 लाख जीवायों के प्राणी, असंख्य अनंत आत्मा है। वो कौन कौन सी होती है? एकेंद्रीय, द्वेंद्रीय, त्रिएंद्रीय, पंचेंद्रीय और जो है 5 इंद्रिय वाली, और उसके बाद के अंदर नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति और देव गति। और इनका क्लासिफिकेशन करें तो ये असंख्य रूप के अंदर आ जाते हैं, यानी असंख्य अनंत जो है चेतनामय परमाणुओं के पिंड को हम चेतना कहते हैं। और ये चेतना अपने कर्मों के अधीन शरीर धारण करती है। ये शरीर 5 तरह के होते हैं। इनकी रचना, इनकी जानकारी करना बहुत ज़रूरी है। 5 तरह के कौन कौन से शरीर है? एक तो आधारिक शरीर है जैसा आपका और मेरा है, यानी जो हार्ड मास का बना होता है, जो सप्त धातुओं का बना होता है। सप्त धातुओं के अंदर कौन सी होती? खून, रुधिर, उसके बाद के अंदर मांस, मांस के बाद में मेद, मेद के बाद के अंदर मज्जा और अंतिम 7वां तत्व होता वीर्य। ये सप्त धातुओं की जो बनी हुई ये देह है ये औदारिक शरीर कहलाता है। और दूसरा वैक्रिय शरीर होता है, वो वैक्रिय शरीर नरक गति वालों के होता है और वो देवताओं के होता है, वो कपूर के जैसा होता है कि जब कभी भी नारकी के अंदर जीव कैसे जन्मता है, आपने सुराई देखी होगी, तो सुराई का जो मुंह होता है छोटा होता है, उसका पेट बहुत बड़ा होता है, वो छोटे मुंह के अंदर भाले लगे हुए होते हैं। नारकी का जीव उन भालों में से, तीखे बालों में से दुख को ग्रहण करता हुआ जब नीचे जाकर के, और वह ये जो है नरगति, पहली 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 जो है वह नारकी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं नारकी के अंदर जो ही वह सुराई रूपी पेट के ऊपर जैसी जैसी नारकी में जाता है वो युवा हो जाता है। 16-18 वर्ष का युवा के रूप में जन्म लेता है, लेकिन उसका शरीर जो होता है वह शरीर वो मोम के जैसा होता है, वो
हमारी तरह से जलता नहीं है, वो मोम कैसे जो है मोम के ऊपर पटाखा कैसे बोलता है, जो है वो मोम के रूप में युवा होके जन्मते हैं और जब मरते हैं तो एक फटाका होता है, जैसे फटाके की तरह फूट जाते हैं और उनको जलाना नहीं पड़ता है, वो तो ऑटोमेटिकली फूट जाते हैं। और उसी तरह से देवगति में भी क्या होता है कि देवगति में सैयाएँ होती है, बिस्तर टाइप होता है, और उनको जो जन्म लेते हैं तो कोई दर्द नहीं होता है, उनको जन्म लेते ही सैया पे जो ही टच किया आत्मा ने, जो पहला देवलोक, पहले हमारे 12 तरह के देवलोक होते हैं, फिर 9 वैमानिक होते हैं और 5 बेग्रत होते हैं, 26 देवलोकों में अपने अपने कर्मों के अधीन, अपने आयुष्य के अधीन कहीं भी हो तो देव गति वाला तुरंत सैया को स्पर्श करता है और वह 18-20 साल का युवा हो जाता है। उनका शरीर भी मोम का होता है और वो एक एक नाटक देखते हैं, एक एक 1000 वर्ष का नाटक देखते हैं, वो अलग अलग शुद्धिकरण वाले देवलोक होते हैं। अच्छा, पुण्य, उनके पुण्य बहुत होते हैं, पुण्य को कमाने के लिए देव गति में जाते हैं, और नरक गति वालों के पाप बहुत होते हैं, उनको पाप को भुगतने के लिए लास्ट 7वीं नारकी में जाते हैं, जहाँ पर एकदम जो है वो जो अंधेरा छाया रहता है और टेम्परेचर माइनस जो है वो 50-55 डिग्री तक होता है। उसी तरह से 6ठी नारकी के अंदर इतनी गर्मी होती है कि टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री आदमी बॉयल होता रहता है और सूर्य का इतना ताप होता है कि जलता रहता है व्यक्ति। तो इस तरीके से दुख भुगतने के लिए नारकी होती है, सुख भुगतने के लिए देवगति होती है, और मनुष्य जीवन होता है सुख और दुख दोनों ही भुगतता है, क्योंकि देवता के दुख नहीं होता, नारकी के सुख नहीं होता, और मनुष्य जीवन के अंदर सुख दुख होता है। ये मनुष्य लोक होता है, इसमें औदारिक शरीर वाले होते हैं और पशु पक्षी और उसके अंदर मनुष्य वगैरह, मतलब तिर्यंज गति और मनुष्य गति दोनों का जो होता है ये मनुष्य लोक कहलाता है। तो ये 4 गति हो गई, इसके अंदर असंख्य प्राणी होते हैं, वो सब हम हैं, जो मैंने इतनी बड़ी व्याख्या की। और ये, और मैं 84 लाख जीवा योनि का ब्रेकअप देता हूँ आपको, 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख आपका है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बेन्द्रिय, 2 लाख त्रेन्द्रिय, 2 लाख चतुरेन्द्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख त्रेन्द्र पंचेन्द्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति, 84 लाख जीवा योनि का ये पूरा संसार है, वो हम है पूरा, हमने ब्रेकअप किया। तो ये हम की परिभाषा यानी जीवित प्राणियों कि मैंने पूरा आपको लेखा जोखा दिया। अब मैं प्रकृति माँ की तरफ जाता हूं, तो ये इस चराचर जगत में, इस ब्रह्मांड के अंदर, इस जगत के अंदर, इस लोक के अंदर, इस संसार के अंदर, कुछ भी कहिए, इसमें हम जो जीवित रहते में अपने कर्मों को भोगते हैं, तो ये सारी हमारी प्रकृति माँ है। प्रकृति माँ है जिसको हम व्यवस्थित शक्ति भी कह सकते हैं, जिसको हम कुदरत भी कह सकते हैं, उसकी रचना पर हम आते हैं, यानी प्रकृति माँ की रचना पर आते हैं। ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी कही जाती है, और ये जो काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ और नियति भी कही जाती है, ये सारा प्रकृति माँ है, जो पालन पोषण करने वाली प्रकृति माँ है। ये सबसे पहले इसकी मुख्य जो है ये पंचभूतात्मक है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश बनी हुई ये हमारी प्रकृति माँ होती है, और ये 5 भूतों से कोई भी प्राणी, मनुष्य का देखें तो मनुष्य का जब है कैसे जन्म होता है, तो जब स्त्री पुरुष माता पिता का सेक्सुअल होता है, तो होने के बाद के अंदर माँ का जो है वो अंडज और पिता का शुक्राणु दोनों आपस में मिलते हैं, और उनके दोनों के मिलने से ये 2 आत्माएं, जो केवल 1 अंडज और केवल 1 शुक्र मिलता है, इनका फ्यूज़न होता है, फ्यूज़न होकर के दोनों आत्माएं मर जाती है, मर करके और तीसरी आत्मा को जन्म देती है, जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, जिसको हम भ्रूण कहते हैं, और वो धीरे धीरे बड़ा होकर के, और वह जो 9 महीने का होकर के एक पूर्ण बच्चे के रूप के अंदर जन्म लेता है। तो इस तरीके से ये मनुष्य का जन्म होता है, ऐसे पशुओं का होता है, पक्षियों का होता है, और इसके अंदर ये जन्म के लिए जो हमारे जो 3-4 तरह के जन्म होते हैं, पहला जो जन्म होता है हमारा अंडज होता है, अंडे के रूप में पैदा होते हैं, जैसे कि कबूतर है, और जो है हमारे जो है जितने भी पशु हैं, जितने भी पक्षी हैं,
वो अंडज होते हैं और दूसरे होते हैं वो होते हैं पोतज होते हैं। पोतज का मतलब होता है कि वह वो जो है वो पोतज के अंदर जो हमारे जो गाय है भैंस है और हमारा जो ये शेर है और हाथी है ये सब पोतज है। बड़े रूप के अंदर वो जन्म लेते हैं और जो मनुष्य होता है वह अंडज पोतज और जो मनुष्य होता है गर्भज होता है, गर्भ से पैदा होता है। जैसे स्त्री है पुरुष है गाय है भैंस है ये सब गर्भज होते हैं। और एक चौथा होता है समूर्छिम जन्म होता है, जब हमारी बारिश होती है अनुकूल वातावरण होता है अनुकूल आर्द्रता होती है अनुकूल टेम्परेचर होता है। असंख्य असंख्य टिड्डी, अभी जो टिड्डी का बहुत बड़ा जो है वो कहना चल रही है जब ये हमारी पृथ्वी फोड़ करके और जो अच्छे वातावरण के अंदर जन्म लेते हैं तो इनको किसी भी माँ और पिता के गर्भ की और उसके नर मादा की आवश्यकता नहीं होती, समूर्छिम जन्म ले लेते हैं। जैसे कि नरकी का जीव का समूर्छिम होता है, देवता का समूर्छिम होता है, ये टिड्डी है और जितने भी ये छोटे मोटे जीव जंतु है ये सब समूर्छिम होता है। इसीलिए ये जो हमारा 4 महीने का जो समय होता है बरसात का उस दिनों के अंदर जो है जैन साधु है भ्रमण नहीं करते और बड़े बड़े जो भी साधु सन्यासी होती है इनकी हिंसा होती है जीवों की, बहुत से जन पतंगा वगैरह टिड्डी यही जन्म लेते हैं, असंख्य अंश की इनकी हिंसा न हो इसलिए 4 महीने में स्थिर वास करते हैं, वो चातुर्मास होता है उनका। तो भाई और बहनों ये सारा हमारी प्रकृति माँ है, ये कुदरती रचना है और इस कुदरती रचना का एक भाग और बताता हूँ। ये कुदरत है वो 6 तत्वों से बनी हुई, इतनी सारी जो मैंने व्याख्या की ये जीवित प्राणियों की वो चेतन तत्व है और जड़ पदार्थ की मैंने व्याख्या की, जड़ पदार्थ है उसका छोटा से छोटा जो रूप होता है वो परमाणु होता है और भगवान महावीर ने कहा कि परमाणु है इंडिविजिबल होता है इंडेस्ट्रक्टिव होता है, उसको ना तोड़ा जा सकता है और ना किसी भी जो है वो किसी विज्ञान की जो है वह दूरबीन से दिखाई भी नहीं देता, केवल अवधि ज्ञानी मन ज्ञानी और केवल ज्ञानी देख पाते हैं, वह शुद्ध तत्व होता है। और जब एक परमाणु जो दूसरे परमाणु से मिलता है अशुद्ध होता है, जैसे हमारी प्योर आत्मा है वो मुक्ति की मूल आत्मा है लेकिन मूल आत्मा के साथ शरीर मिलता है तो दोनों मिलकर के इसके बीच में अज्ञान और वेल्डिंग के कारण दोनों मिलते हैं वो इम्प्योर हो जाते हैं। ये हमारी बद्ध आत्मा इम्प्योर आत्मा है और प्योर आत्मा इसके भीतर है लेकिन ये शरीर के साथ होने के कारण ये बद्ध आत्मा हो गई, ये जो है हमारी जो मुक्त आत्मा के साथ में ये बद्ध आत्मा हो गई और जो कि मतलब अज्ञान के साथ जुड़ी हुई होती है कारण शरीर के साथ जुड़ी हुई होती है। तो इस तरीके से जो है ये जड़ तत्व हो गया चेतन तत्व हो गया और ये दोनों गति करना चाहते हैं तो हमारा मोशन तत्व तैयार होता है। ये पौद्गलिक है वो एक द्रव्य है और ये अति सूक्ष्म है दिखाई नहीं देता, ये जो है अमूर्त है लेकिन पौद्गलिक है दिखाई नहीं देता, पूरे ब्रह्मांड में हाजिर होता है, ये गति सहायक होता है। यही स्थिति सहायक भी वैसा का वैसा होता है, अमूर्त होता है और ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर आया तो उदासीन भाव से डिमांड करने पर ये स्थिति सहायक रेस्ट तत्व तैयार होता है और वर्तना देने वाला जो है ये हमारा समय है जिसको हम टाइम कहते हैं, न्यूनतम इकाई उसकी समय है और इसकी बड़ी से बड़ी इकाई जो है वो हमारा काल चक्र है और हमको जो अवगाहना देने वाला है ये आकाश तत्व है, ये हम सबको जगह देता है स्थान देता अवगाहना दे, ये 6 तत्वों से जो है ये कुदरती रचना है। और कुदरती कानून का अर्थ ये हो गया कि हमारी प्रकृति माँ को समझने के लिए सब चीज़ों को समझना पड़ेगा, तो हमारी कुदरती कानून क्या है, कुदरत माँ है तो कुदरती कानून क्या है कि जैसा जैसा प्राणी का उपादान होता है जैसे जैसे कर्म होता है जैसे जैसे वो पीछे से व्यवहार करके आया है जैसे जैसे कॉजेज डाल के आया है उसके अनुरूप जो है उसके वो यहाँ पर ये निमित्त खड़ा कर देती है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव खड़ा कर देती है, काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति कर देती है, निमित्त को खड़ा कर देती है, ये सारा कार्य कुदरत का है नेचर माँ का है और यही भरण पोषण का कार्य होता है। तो भाई और देखिए अब हम इन दोनों को जोड़ते हैं,
हम इतने प्राणी एक साथ निवास करते हैं, तो नेचर माँ कहती क्या कहती है कि मेरे पास असंख्य अनंत परमाणुओं के जो है वो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, उनके भरण पोषण की पर्याप्त सुविधा है। लेकिन देखिए, सर्वश्रेष्ठ प्राणी है मनुष्य है, वो इस सृष्टि का संरक्षक है, इस नेचर माँ का संरक्षक है, नेचर माँ का सपूत बेटा है। अगर वो सुबुद्धि लागू करता है तो नेचर माँ का भक्त रहता है, और कैसा भक्त होता है, श्रवण कुमार का जैसा, तो इस नेचर माँ को डिस्ट्रॉय नहीं करता है, इस नष्ट माँ का संरक्षण करता है। यानी वो जितनी आवश्यकता हो उतना ही, जितनी नीड हो उतना ही उपयोग करता है, उसके अतिरिक्त उसका कोई दोहन नहीं करता है। और कपूत बेटा हो जाता है तो वो क्या करता है कि नेचर माँ का पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का जो दोहन करता है, पृथ्वी के खड्डे खोता है। और ऐसे कपूत बेटे आज बहुत तैयार हो गए कि उन्होंने इस हमारी नेचर माँ को इतना पृथ्वी, एक एक एलिमेंट को देखिए कि पृथ्वी को इतना गहरा खोद दिया है कि 1000 फुट 10,000 फुट खोद करके पेट्रोलियम निकाल रहा है, पानी निकाल रहा है, और भी बहुत सी चीज़ें निकाल करके आज माँ करा रही है कि मेरी छाती को चीर दिया है, और उसका पनिशमेंट भी हमको दे रही है कि वो सुनामी और अतिवृष्टि, अनावृष्टि और उसके साथ साथ में भूकंप और हमारी जो जितनी बड़ी बड़ी जो है ये हमारी बीमारियाँ, प्लेग वगैरह जो है, महामारियाँ फैला रही है। क्योंकि माँ को हम दुख देते हैं तो माँ हमको पनिशमेंट देती है। जब बच्चा माँ को बहुत ज़्यादा तंग करता है तो माँ को थप्पड़ भी मारती है, तो ये हमको थप्पड़ मिल रही है, ये सुनामी के रूप में हमको थप्पड़ मिल रही है, भूकंप के रूप में थप्पड़ मिल रही है, क्योंकि माँ की हम अवहेलना करते हैं। जल की बात देखिए कि आज बहुत से लोग जो है अशुद्ध जल को पी करके, बहुत बड़ी विश्व की जो संख्या है अशुद्ध जल को पी करके मर रही है, क्योंकि पृथ्वी पर 75% पानी है और 25% जो है वो खाली जो है धरती है, और वो पानी भी समुंदर है, पीने का समुंदर का पानी हम पी नहीं सकते, और वही समुंदर का पानी शुद्ध होकर के धरती पर जब बारिश होती है तो वो हमारे कैनाल के रूप के अंदर, वो तालाबों के रूप के अंदर, और वो हमारे कुओं के रूप के अंदर, बावड़ियों के रूप में हमको पीने के लिए प्राप्त होता है। तो हमने उस पानी को इतना गंदा कर दिया है, उसमें बहुत से केमिकल मिला दिए हमने फैक्ट्रियों का पानी, और उसके साथ में जो कपड़े की रंगाई छपाई का काम है वो पानी हमने इसके अंदर इतना गंदा और इतने केमिकल छोड़ दिए, वही पानी जा करके पृथ्वी के अंदर समाता है, ट्यूबवेल में आता है, कैनाल के अंदर आता है, कुओं के अंदर आता है, बावड़ियों के अंदर आता है, और व्यक्ति जो है वह उस पानी के कारण जो है बहुत बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसी कारण जो जल से जुड़ी हुई, प्रदूषित जल से जुड़ी हुई बहुत सी बीमारियां हैं, पृथ्वी जल अग्नि को देखिए, आज फैक्ट्रियों का इतना धुआं छोड़ा जा रहा है, वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड इतनी जो है हमारी माँ के इस जो है वातावरण में इकट्ठी हो गई कि माँ के ऊपर जो है वो ओजोन की छतरी O3 जो कि हमको समुद्र के किनारे मिलती है, O2 हमारी ऑक्सीजन है और O3 है ओजोन छतरी जो है, वो सारी जो वायुमंडल के ऊपर छाई होती है, वो पराबैंगनी जो है हमारी जो है वो किरणों को नहीं आने देती है, लेकिन आज हमने इतनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी सी माँ के ऊपर, जो आप दिल्ली को जाइए कि व्यक्ति सांस भी नहीं ले सकता, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन हमको तो प्राणवायु ऑक्सीजन चाहिए, उसकी मात्रा घटती जा रही है, और जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को और अन्य जो है हमारी नाइट्रोजन, हीलियम वगैरह उनकी मात्राएं बढ़ती जा रही, क्योंकि हम छोड़ते जा रहे हैं प्रदूषण को। और आज जो ओजोन छतरी के अंदर छेद हो गया है तो सूर्य की किरणें इतनी भयंकर पराबैंगनी किरणें हैं कि आज उस छतरी के छेद को जो है पार करके और हमारे जो ये इस धरती पर आ रही, जिस लोक के अंदर, जिस ब्रह्मांड में जी रहे हैं, जिन 6 तत्वों के अंदर हम जीवन यापन कर रहे हैं, तो आज जो है लूले हो रहे हैं, लंगड़े हो रहे हैं, गूंगे हो रहे हैं, मूक हो रहे हैं, बधिर हो रहे हैं, और बच्चे जन्मते ही जो है अपाही जन्मते हैं, लूले लंगड़े, ये सारा प्रभाव जो है इस प्रदूषण का प्रभाव है जो कि आज हमने खड़ा कर दिया। वो किसने खड़ा किया? वो सबसे ज़्यादा इंसान ने खड़ा किया। आज इस नेचर माँ को सबसे
से ज्यादा जो कपूत पुत्र है वो मनुष्य है, क्योंकि बेचारे पशु पक्षी है, इनकी तो सीमित आवश्यकता है, उन सीमित आवश्यकताओं का भरण पोषण करने के बाद वो भोजन नहीं करते, पानी नहीं लेते। देखिए कि जो ये हमारे पशु पक्षी शेर है वो अगर भूखा है तो शिकार करेगा और वो दिन में एक बार शिकार करता है, और मनुष्य ऐसा प्राणी है कि वो 24 घंटे इस पेट के अंदर, इस जो है कुंड के अंदर, इस जो है वेयर गोदाम के अंदर 24 घंटे डालता ही जाता है। उसका कोई भी शेड्यूल नहीं है, वो रात को 12 बजे डाल रहा है, 2 बजे भी चाय पी रहा है, कोई खा रहा है इसमें डालता। मनुष्य जो है सबसे ज्यादा घातक प्राणी जो है आज सृष्टि, यानी हम जो मनुष्य हैं वो आज घातक प्राणी इस सृष्टि माँ के बने। हमने प्रदूषण किया, पृथ्वी का किया, जल का किया, अग्नि का किया, वायु का किया और आकाश किया, 5 भूतों को हमने दूषित बना दिया, और हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। अरे हम तो मनुष्य है, इसके संरक्षक है, माँ के सपूत बेटे हैं, और हमारी सबसे ज़्यादा ड्यूटी है, क्योंकि हम होलिस्टिक प्राणी हैं। दूसरे प्राणी बेचारों के पास में इतनी बुद्धि नहीं है, हमारे पास में तो जो कहना चाहिए कि डेवलप्ड मन है, डेवलप्ड बुद्धि है, डेवलप्ड हमारा चित्त है और डेवलप्ड हमारी आत्मा है, लेकिन हम ग्रीड में चले गए। ये सारा हुआ क्यों? माँ कहती है तुम्हें नीड को पूरा करने की, तुम्हारी आवश्यकता करने की स्वतंत्रता है, तुम्हारा अधिकार है, तुम ये पूरा करो, क्योंकि तुम्हारा घर है, शरीर है, परिवार है और तुम्हारा देश है, पूरा विश्व है। लेकिन मनुष्य तो ग्रीडी हो गया। ग्रीडी मनुष्य के लिए कहा गया है कि एक व्यक्ति को इस सृष्टि माँ की पूरी संपदा दे दी जाए तो भी ये व्यक्ति धापता नहीं है, इतना ग्रीडी हो गया है। इस ग्रीडी होने के कारण ही ये सारा प्रदूषण फैला रहा है और सारा धन अपना ही में अपना घर भर रहा है। पता नहीं वो धन, उसको आवश्यकता नहीं तो भी 10-10 बंगले खड़े कर रहे हैं, 50-50 गाड़ियाँ हैं, 1000-1000 ड्रेसें हैं और इतना इतना बैंक बैलेंस, इतनी ज्वेलरी है, वो घर भरता ही जा रहा है। उसकी ग्रीड के कारण ही असंतुलन हुआ है। तो हमें नेचर माँ कहती है तुम इस ग्रीड को समाप्त करो। नीड की तो मैं इजाज़त देता हूँ, ग्रीड को समाप्त कैसे किया जाना चाहिए कि हमें आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना। भगवान महावीर के जो सिद्धांत है अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह, जो ये अपरिग्रह का सिद्धांत ये कहता है कि तुम्हें आवश्यकता से अधिक संग्रह मत करो, वो तुम्हारे दुख का कारण है, वो तुम अन्याय कर रहे अन्य लोगों के साथ में। तुम 10 मकान रखते हो, तुम्हें एक मकान चाहिए, 9 मकान अतिरिक्त रखे, इसका मतलब तुम भाइयों का जो है आप शोषण कर रहे हैं, उनको जो है जिनकी आवश्यकताएँ हैं उसको नकार रहे हो, तो ऐसा हर कार्य कर रहे हो, तो इसको छोड़ो, यानी अपरिग्रह की अवस्था रहो और सभी भाइयों का चिंतन करो, पूरी नेचर माँ का सेवन करो, हम सभी का चिंतन करो। हम सभी जीना चाहते हैं पर हम जिएंगे कब? कि जो जो साधन माँ ने बताए उनको शुद्ध रखेंगे, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो है ये नेचर माँ को हम शुद्ध रखेंगे, इसका प्रदूषण नहीं करेंगे, वैचारिक प्रदूषण नहीं करेंगे, और अपने भाई जो हम सभी वसुदेव कुटुंबकम के सदस्य हैं, एक माँ की संतान है, उस नेचर माँ की, उस कुदरत की हम संतान हैं, उस व्यवस्थित शक्ति की हम संतान हैं, और वही हमारा संचालन करने वाले व्यवस्थित शक्ति हमारी माँ है, बाप है, वो हमारा जो भरण पोषण करते हैं, तो उसको हम प्रणाम करें। जैसे कि हमारी पुराने जमाने वेदों को देखिए कि वेदों में जो पृथ्वी के जो अंग थे उनको जो है देवता माना जाता था, वायु देवता, अग्नि देवता, जल देवता, पृथ्वी देवता, ये सब पूजा की जाती थी। और आप देखिए पीपल की पूजा क्यों की जाती थी, कि पीपल 24 घंटे हमें प्राण वायु ऑक्सीजन देता है। भाई और बहनों आप सोचिए कि ये हमारे, अगर मान लो ये हमारे पेड़ पौधे नहीं होते तो ऑक्सीजन कहाँ से आती? विज्ञान ने तरक्की कर ली है, लेकिन विज्ञान ने अभी तक कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं बनाई है जो ऑक्सीजन को पैदा करे। मात्र वो बॉटलिंग जो हमको पेड़ पौधों से मिल रही है बॉटलिंग करता है और हॉस्पिटल के अंदर प्राणवायु के रूप में डायलिसिस वगैरह के ऊपर और आईसीयू के अंदर वो बॉटल वो रखी जाती है, बॉटल्स जो है ऑक्सीजन की, लेकिन पैदा
विज्ञान ने नहीं की, पैदा तो करने वाले पेड़ पौधे ही हैं। हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं, वही उनका जो भोजन है कार्बन डाइऑक्साइड। सिंथेसिस के माध्यम से हमको ऑक्सीजन मिलती है, तो हमारे वो कितने कहना चाहिए, हमें उनकी पूजा करते हैं। पीपल के ऊपर हम कोई कूड़ा कचरा नहीं डालते हैं, क्योंकि मैं ऑक्सीजन देता, भगवान की मूर्ति रखते हैं, मंदिर बनाते हैं और ऐसे उनकी पूजा की जाती है। तो इसीलिए हमारे जितने भी ये जीवित प्राणी हैं उनके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। प्रभु का घर है ये शरीर, है प्रभु का मंदिर है, और भीतर प्रभु आत्मा रूपी, शुद्ध आत्मा रूपी मूल प्रभु विराजमान है, उसकी हमें भक्ति करनी चाहिए। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो और देखते रहिए, इसमें बहुत अच्छे अच्छे जीवन के सूत्र मिलेंगे, जीवन निर्माण की बात मिलेगी, सत्संग मिलेगी, आपका जीवन अच्छा बनेगा, धन्य बनेगा और आप अच्छे इंसान बनोगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। आत्मविज्ञान में, आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।